फोर स्टेप स्किन केयर रूटीन इस वीडियो में शेयर करूंगी। फॉर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सुपर अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा इजी टू मेंटेन है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है इसके अंदर। और होम्योपैथिक क्रीम्स और होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फोर स्टेप इजी स्किन केयर रूटीन फॉर ड्राई स्किन। कुछ महीने पहले मैंने फोर स्टेप स्किन केयर रूटीन शेयर किया था फॉर ऑयली स्किन, तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं सिर्फ ऑयली स्किन के लिए ही प्रोडक्ट्स बताती हूँ या ऑयली स्किन के लिए मैंने स्किन केयर रूटीन शेयर किया है, व्हाई नॉट फॉर ड्राई स्किन। तो जिन भी लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए मैं सुपर इजी फोर स्टेप स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी वो मैंने स्पेशली उन प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो हाईली नरिशिंग है और ड्राई स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एज दिस वॉज हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और आप लोग की जो क्वेरीज है उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो चैनल पर प्लीज जाइए और रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। सो गाइज, ड्राई स्किन वाले जो लोग होते हैं, मतलब जिनकी स्किन जो है रूखी सूखी होती है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है विंटर्स, जैसे कि ठंड अब स्टार्ट होने वाली है और मौसम थोड़ा सा ड्राई विंड्स स्टार्ट भी हो गई है, तो ठंड के मौसम में जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो स्किन है वो फर्दर ड्राई होती है, क्रैक होती है, उसमें से मॉइस्चर पूरा चला जाता है जिसकी वजह से स्किन का टेक्सचर पूरा खराब हो जाता है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको गर्मियों में भी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी स्किन के लिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऑप्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया हम कह सकते हैं वो ये होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाईली नरिशिंग हो। जो नरिशमेंट हम अपनी स्किन को देना चाहते हैं वो उतना नरिशमेंट हमको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट। दिस इज द ओनली बेसिक क्राइटेरिया जब भी हम ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर रूटीन में जो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखने वाली होती हैं या स्किन केयर में हमको फॉलो करनी होती है वो होती है, फर्स्ट इज क्लेंजिंग, सेकेंड इज टोनिंग एंड थर्ड इज मॉइस्चराइजिंग, दैट इज CTM रूटीन। तो क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं आपको ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स इसमें सजेस्ट करूंगी। साथ ही लिप्स का भी ध्यान हमने रखना है क्योंकि जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके ऑब्वियसली लिप्स भी बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। नॉर्मल स्किन वालों से अगर हम कंपेयर करें तो उससे ज्यादा ड्राई हमको ड्राई स्किन वालों के लिप्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा चैपिंग मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, विच इज क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग में हमको अपना फेस जो है वॉश करना होता है बहुत ही जेंटल फेस वॉश से या फिर सोप से, जो आप रूटीन में यूज करते हैं जो भी फेस वॉश या सोप वो आप ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ड्राई करने वाला प्रोडक्ट ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो ऑयली स्किन टाइप के लिए बना होता है जो फर्दर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करेगा। सो आई'd लाइक टू सजेस्ट यू दिस हैप्टिको एक्वी प्लस फेस वॉश। ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि मैं सिर्फ यही फेस वॉश ज्यादा सजेस्ट करती हूँ। तो हैप्टिको एक्वी प्लस फेस वॉश, अब आपको डाउट आया होगा कि मैं एक्ने पिंपल्स के लिए भी यही सजेस्ट करती हूँ और मैं ड्राई स्किन के लिए भी यही सजेस्ट कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली येस, बिकॉज ये कंप्लीटली प्योर हर्बल बैलेंस है, इसमें मैंशनड है फॉर एक्ने पिंपल्स, बट आप इसे ड्राई
स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही जेंटल है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, इसके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। इसे दो बार आपको यूज करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसमें इंडिविजुअल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जो चैनल पे पोस्टेड है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर ले। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्लेंजिंग, और उस क्लेंजिंग के लिए आपको ये हेबडेको एक्विप्लस फेस वॉश यूज करना है। ऑल्सो अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं एक्विप्लस फेस वॉश, तो आप SBL का सिंपल कैलेंडुला सोप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। कैलेंडुला एक हीलिंग एजेंट है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं कैलेंडुला की, तो आप इस सिंपल कैलेंडुला सोप को यूज कर सकते हैं टू क्लीन योर फेस। इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, या फिर आप ये यूज करें। इसका एक्विप्लस फेस वॉश का जो एमआरपी है वो 95 रुपीज है, और कैलेंडुला सोप का जो एमआरपी है वो अराउंड 45-50 रुपीज आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप विच इज टोनर। क्लेंजिंग के बाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टोनर अप्लाई करें। दिस स्टेप इज ऑलमोस्ट स्किप्ड बाय सो मेनी पीपल। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोगों से मैंने जब भी इंटरेक्ट किया है, बात की है, तो वो यही बोलते हैं कि हम फेस वॉश करते हैं देन वी अप्लाई मॉइस्चराइजर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टोनर बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस वॉश करने के बाद विदिन 30-40 सेकेंड्स आपको पैड ड्राई करने के बाद एक अच्छा टोनर अप्लाई कर लेना चाहिए। इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू द बैक्स एंड सनी हर्बल टोनर। पिक्चर में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बैक्स एंड सनी हर्बल इज अ होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल, उसका ये प्रोडक्ट है टोनर जो है। इट हैज थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स विच आर लाइक एलोवेरा, नीम एंड तुलसी। एलोवेरा मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए इसका की इंग्रेडिएंट है, और इसीलिए मैं इसे यहाँ पे सजेस्ट भी कर रही हूँ फॉर ड्राई स्किन। तो एलोवेरा है इसके अंदर, नीम है जो बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, और तुलसी है, इट हैज अगेन एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो ये तीन इसके मेन इंग्रेडिएंट है। फेस वॉश करने के बाद जैसे मैंने बताया, पैड ड्राई करें, और आपको ये स्प्रे बॉटल के अंदर ही आता है, तो आपको इसको ऑल ओवर योर फेस स्प्रे कर लेना है, या फिर आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन पैड में लेकर और स्वाइप करके आराम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैक्स एंड सनी हर्बल टोनर ना यूज करें, तो अगर सेकेंड ऑप्शन मुझसे पूछे तो वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आप सिंपल गुलाबरी रोज वाटर जो डाबर का आता है, बहुत आसानी से जनरल स्टोर्स और केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है, तो वहां से आप वो डाबर गुलाबरी ले आए। रोज वाटर जो होता है स्किन के पीएच को बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। साथ में अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन है, टेक्सचर स्किन का खराब है, तो उसके लिए भी रोज वाटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, आप सिंपल रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप होम्योपैथिक स्किन टोनर जो मैंने बताया बैक्स एंड सनी हर्बल्स का, वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ विच इज टोनर। नाउ टोनर लगा लिया हमने, अब इसके बाद थर्ड स्टेप पर जाएंगे हम, जो है मॉइस्चराइजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किन केयर का, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। क्योंकि मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन में डिटेल में कि मॉइस्चराइजर ही है जो हमारी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तो फॉर ड्राई स्किन जो मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ वो है SBL कंपनी का ये सिल्क एंड स्टे मॉइस्चराइजर। आई होप यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली। ये है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बहुत ही इफेक्टिव मॉइस्चराइजर है ये। इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्किन की ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट करता है, और इसके साथ साथ स्किन को सॉफ्ट रखता है इन हार्श वेदर कंडीशन। सो अगर आपकी स्किन ऐसी है थोड़ी नॉर्मल टू ड्राई है, ज्यादा ड्राई नहीं है, जब विंटर्स आते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, या ऑल द टाइम ड्राई स्किन टाइप पीपल हैं आप, के हर सीजन में हर वेदर में आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो दिस इज द प्रोडक्ट, यू विल लव इट। बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये मॉइस्चराइजर। मैंने अपने पेशेंट्स को दिया है रेगुलरली सिंस पास्ट 2-3 ईयर्स में, इसे प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, और नॉट अ सिंगल नेगेटिव
positive feedback I have gained after using this from my patients. तो आप इसे यूज करें और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको भी इसे मिलेंगे. नेचुरल मॉइस्चराइजर है ये. ऑल्सो इट इज नेचुरल एंटीसेप्टिक. इट इज ऑल्सो एन एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल क्रीम, क्योंकि ड्राई स्किन में एजिंग के साइंस और रिंकल्स बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिल जाते हैं. स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है जिसकी वजह से रिंकल्स जल्दी आते हैं. तो ये क्रीम उस चीज को भी प्रिवेंट करता है, आपके स्किन की फर्दर ड्राइंग को रोकेगा और जो ड्राइनेस ऑलरेडी है उसको कम करेगा, स्किन के सेल्स को प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा. इसके दो मेन इंग्रेडिएंट हैं. द फर्स्ट वन इज एलोवेरा एंड द सेकंड वन इज कैलेंडुला. एलोवेरा और कैलेंडुला दोनों ही आपकी स्किन को सपल और स्मूथ बनाने में मदद करते हैं ताकि आपकी स्किन यंग एंड ग्लोइंग दिखे. बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है एलोवेरा, जो आपकी स्किन को वेदर के यानी कि मौसम के हार्श इफेक्ट से बचाता है, सन के हार्श इफेक्ट से बचाता है और एनवायरमेंटल हार्श इफेक्ट से बचाता है. कैलेंडुला एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, हीलिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को क्लियर रखता है, इन्फेक्शन को दूर करता है. इसको आपको यूज कैसे करना है, तो सिंपली टोनर लगाने के बाद आपको इसको दो बारी अप्लाई करना है. ट्यूब पैकेजिंग में ये क्रीम आता है. ये जो मेरे पास पैक है ये 50 ग्राम है और इसका एमआरपी जो है वो 55 रुपीज है. आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे ये बहुत आसानी से मिल जाएगा. ऑनलाइन ये आपको healthmug.com या होम्योमार्ट में बहुत आसानी से मिल जाएगा. तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. जो दिन में आपको अप्लाई करना है, रात में नहीं करना है, वो है ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा सन प्रोटेक्टिंग क्रीम यानी कि एसपीएफ क्रीम. तो एसपीएफ क्रीम आपको जरूर अप्लाई करना है, चाहे आप बाहर धूप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, घर पर भी हैं तो भी आप डे टाइम पे जरूर इंश्योर करें कि आप एसपीएफ क्रीम लगा रहे हैं. तो मैं होम्योपैथिक एसपीएफ क्रीम आपको सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे पिक्चर ऐड कर रही हूँ, उसे देख लीजिए. बीएनटी बोरिक एंड टेफिल का सन प्रोटेक्टिंग क्रीम है ये विथ एसपीएफ 30, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, नेचुरल है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और जर्मन बेस्ड होम्योपैथिक कंपनी का ये प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं. तो ये एसपीएफ क्रीम आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कोई रूटीन में एसपीएफ क्रीम यूज करते हैं लाइक लैक्मे का, मैं सजेस्ट करती हूँ अपने पेशेंट्स को, या फिर लोटस हर्बल का जो सनस्क्रीन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डे एंड नाइट दोनों में फॉलो करना है, वो है लिप केयर. जैसा मैंने बताया कि लिप्स भी ड्राई स्किन वालों के बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, चैप्ड होते हैं और विंटर्स में ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है. स्किन पील होती है, मोटी मोटी दरारें हो जाती हैं और सीवियरनेस में इनमें से ब्लड भी आता है खाते और बोलते टाइम यानी कि लिप के मूवमेंट के टाइम पे. तो इस चीज के लिए, लिप केयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑब्वियसली माय फेवरेट बैक्सन सनी हर्बल्स लिप बाम. बहुत ज्यादा इफेक्टिव है विद विटामिन ई, सुपर अफोर्डेबल है. 45 रुपीज में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, 40 रुपीज में मिलता है. अगर आप इसे दिन में दो बार यूज करेंगे तो आपका जो ड्राई एंड चैप लिप्स का प्रॉब्लम है आई गारंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा. इस पर भी मैंने इंडिविजुअल रिव्यू वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखिए तो उसे प्लीज देख लें फॉर कंप्लीट डिटेल. तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दे दूंगी. तो ये लास्ट स्टेप है जो लिप केयर पे लिप केयर है और यहां पर खत्म होता है हमारा ड्राई स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, इजी टू फॉलो है, अफोर्डेबल है और रिजल्ट्स इससे बहुत अच्छे मिलते हैं. तो नाइट में भी आपको सेम फॉलो करना है. क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड लिप केयर आपको सिर्फ एक स्टेप अवॉइड करनी है, वो है एसपीएफ वाली. डे टाइम में आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन एसपीएफ एंड देन फिर लिप केयर, इस तरीके से फॉलो करना है. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जरूर आपके काम आएगी. इफ यू गाइस फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. अगर आप हमसे पर्सनली ई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर मेंशन करूंगी उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए. आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स है पेमेंट की और आगे आपको क्या करना है फॉर कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए. तो वहां से आप हमसे ई कंसल्टेशन ले सकते हैं. तो दोस्तों मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल.